मेरा नाम है हसीब। पापा का नाम? अब्दुल रहमान। कहाँ रहते हो? मदीना कॉलोनी। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि मैं अपना पॉलिश का काम करता हूँ, मुन्ना सटोटिया रहता है महल्ले में। कौन से महल्ले में? मदीना कॉलोनी में। उसके साथ एक चाहत नाम का और है जो अपने आपको पत्रकार बताता है। काफी समय से गलत काम कर रहे हैं, अवैध धंधे कर रहे हैं वहाँ पर। तो चाहत भी कर रहा है? चाहत भी कर रहा है। चाहत क्या करता है? चाहत में पहरेदारी करता है। अच्छा। मुन्ना की देखावाली करता है। काफी टाइम से अवैध धंधे कर रहे हैं, जैसे कि गांजा, स्मैक और सट्टेबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी ने सूचना दे दी होगी SSP ऑफिस को, तो वहाँ पुलिस आई, तो वहाँ कोई बात नहीं, जैसा चले गए वहाँ से, भाग गए। फिर दूसरे दिन पुलिस आई तो उसके दिमाग में ये गलतफहमी आ गई कि ये जो है ये बंदा करवा रहा है इस तरीके से। तो एक नाजो नाम की है, उसने पहले भी 4-6 मुकदमे गलत लिखवा चुकी है वो लोगों के खिलाफ। जैसे कि एक है उसका लॉगमा में लिखवा चुकी है एक। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे साथ अब क्या हुआ है? मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने गलत मुकदमा अपनी बेटी का मेरे ऊपर लिखवा दिया। अच्छा। रात को 11:30 बजे की मेरे घर पर आए, इस तरीके से मुझे करिए। तो इस समय सट्टे का कोई कम सट्टों का कोई बार नहीं है, फिलहाल छेड़छाड़ का मामला है। हाँ सर, लिखवाया उन नहीं है, सब इसके जरूरत करम है। तो चाहत ये कहता है सबसे कि मैं तुम्हें ऑटो केस में भिजवा दूंगा। कौन कहता है? मुन्ना कहता है। मुन्ना कौन है? मुन्ना सटोरिया कमजी। वो ये कहता है कि मैं सबको इसी काम में भिजवाऊंगा, ऑटो से ऑटो भिजवाऊंगा, लड़ाई झगड़े में नहीं भिजवाऊंगा। लड़ाई झगड़े में तो एक दिन में। तो मुन्ना सट्टा कर रहा है इस समय? जी बिल्कुल कर रहा है। क्या नाम है आपका? श्यामा परवीन। शोहर का नाम? हसरत अली। कहाँ रहती हो? मदीना कॉलोनी। ये किसने पकड़वाया है? मुन्ना ने। कौन है आपका? दामाद। क्या नाम है इसका? हसीब। इसके पापा का नाम? अब्दुल रहमान। क्यों पकड़वाया इसे? वही झूठे केस में, बलात्कार के केस में। मुन्ना ने छेड़छाड़ के गलत सुनकर, वो कहता है कि मैं ऐसे पकड़वाऊंगा आदमियों को। तो मैं चाहत नाम का, चाहत नाम का हुआ है अपने को पत्रकार बताता है। तो मुन्ना के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की अभी तक? कोई नहीं करता, वो छूट जाता है। छूट जाता है। Thank you.